राकेश और शमिता की शादी नहीं। हाय, आई एम मनीजा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमें ये बातें करते हुए नज़र आए, राकेश को छेड़ रहे थे कि क्योंकि वो शायद शमिता के साथ बेड शेयर करना चाह रहा था, तो वो लोग तंग कहते थे कि शादी कर लो इन ये दविया रिधिमा वगैरह। बट एनीवेज, शमिता ने तो कली भाई बना लिया था। तो एनीवेज, तो फिर ये दिव्या क्या लगा, वो बातें कर रही थी कि वो जिशान से बहुत फेड अप हैं और वो उसके साथ जो है ना, वो अपना कनेक्शन चेंज करना चाहती हैं। अब देखते हैं आगे बिग बॉस इनको मौका देते हैं कनेक्शन चेंज करने का, जैसे कि पहले दिया गया था और जिसपे जिशान ने उर्फी से कनेक्शन तोड़ के दिव्या से जोड़ा था। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक से हैं, शायद इस वजह से उसको अनॉय करता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करता है, ये अपने फ्रेंड्स को। कर सकते हैं उसके साथ भी आप कनेक्शन रह सकते हैं। बट एनीवेज, तो आज जो है एपिसोड में प्रतीक ने, क्योंकि कल कहा गया था कि रिपोर्ट जो है वो एवरेज आई है, तो उसने कल ही कह दिया था कि आज तो धमाल करने वाला है, आज तो कुछ करेगा। तो उसने आके वो जो प्रॉपर्टी थी उसको फेंकना शुरू कर दिया। मीन फेंकना एज एन नॉट ऐसे, मतलब थोड़ा पलट दिया सारे टेबल्स को उसने। और फिर राकेश से उसकी काफ़ी आर्ग्यूमेंट चला, क्योंकि वो उसको लग रहा था यही गेम खेलना है, इसी तरह खेलना है, तो वो क्रिएट करने आ गया और राकेश से बड़ा पंगा लिया। पर राकेश भी बड़े आराम से सब डील कर रहा था। राकेश को कहा कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ भाई, स्पाइनलेस वाला वर्ड तो फिर दोबारा सुनने नहीं मिला है उस दिन के बाद से, लेकिन हाँ, कहा कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर कहेंगे मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। मेन उसका मोटिव था कि कुछ करे, कुछ घर में क्रिएट करे, और वो कोशिश कर रहा था, मगर वो तरीका मुझे लगता है ज़रा गलत था। उस टाइम इस तरह से शुरू कर देना नहीं चाहिए था, जब गेम शुरू होता तभी करता, उस टाइम तो कुछ और करता और गेम के टाइम पे कुछ और करता, थोड़ा सा स्मार्टली करता ना, तो एंड में ऐसे इनको दोबारा से इनसे गैस नहीं छीनी जाती। बट एनीवेज, वो उसका तरीका था। प्रतीक और जीशान की भी फाइट हुई, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है करके, और फिर दोनों की बड़ी फाइट होने लगी। आर्ग्यूमेंट ही चल रहा था सच, बाद में ज़्यादा बुरी हुई थी। प्रतीक का साफ रीज़न, जैसे मैंने कहा, कि नज़र आ रहा था कि वो क्यों ये सब कर रहा है, और उसका मेन था रिएक्शन निकालना, और जो निकल रहा था, चाहे वो गलत तरीका हो, पर रिएक्शन निकल रहा था। नेहा ने कहा कि वो बर्तन नहीं धोएंगी, फिर नेहा वहाँ पे गई, और क्योंकि वो एक कप पे बात शुरू हुई कि कप रात किसने छोड़ा था, और फिर उस पर बात हुई कि नेहा ने बोला कि मैं बर्तन नहीं दूंगी, अक्षरा से उन पर चल रहा था। मतलब वो फजूल सी फाइट थी, बट एनीवेज वो शुरू हुई। और प्रतीक, अक्षरा, मूस और ये निशान, इनकी ना ज़बरदस्त यूनिटी है। ये बड़ा ना शरारती ग्रुप है, ये प्लानिंग करता है, छेड़छाड़ करता है, और इनको मज़ा भी लेते हैं, मज़ा लेते हुए भी नहीं। मैं कि वो जैसे अक्षरा आग लगा के आई थी, तो बड़ा खुश हो गई थी, मैंने आग लगा दी करण से, तो मज़ा भी लेते हैं। लेकिन एनीवेज, इनके सामने ये लोग सब बौखला भी जाते हैं, लेकिन हाँ, हार नहीं मानते हैं, वो भी हार नहीं मानते, उन्हें भी पता है कि अच्छा, कब कौन सही में लड़ रहा है और कब कौन बस सिर्फ वहीं वहीं पंगे ले रहा है। तो जहाँ तक टास्क समझने की बात है, मैं निशान से एग्री करूँगी कि हाँ, एग्री करूँगी कि वो राकेश को नहीं समझ आया था, और अपनी सोच और समझ से उन लोगों ने गेम खेला, और कहीं वो गलत थे तो कहीं वो गलत थे, बट एनीवेज वो चला। अक्षरा ने अच्छी आग लगाई, जैसे मैंने कहा, करण को भड़का के आ गए, और उसके बाद फिर वो देविया थोड़ा लॉस लगी उसका, जो मतलब जब वो रिधिमा ने तो उस टाइम कल उसका नाम लिखा, लेकिन अब खुद नहीं लिख रही कि मेरी दोस्त है, तो वो भी तो दोस्त है। तो ये जैसे निशान वगैरह हैं, ये अगर ये दिव्या से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब इनका वक्त आता है ना, तो ये दिव्या को भी डिच कर सकते हैं अपने ये चार लोगों के, और वो साफ बोल भी रहे हैं। मगर दिव्या ऐसा नहीं कर रही, वो बोल रही है कि मैं रिधिमा, लेकिन खैर,
देखते हैं ये उस तरह उस वक्त जब वो बोल रही थी तब गलत लगी थी एनीवेज मुझे थोड़ी सी, ये क्या बोल रही है, दोस्त है तो और वो लिख सकती है और ये नहीं लिख सकती है, पर एनीवे दोस्त है तो खैर। एनीवेज इनमें यूनिटी कब थी वैसे भी, ये ग्रुप में यूनिटी कब थी, इनके ग्रुप का जा जाके बैठते हैं, जैसे मिलिन जाता है, मिलिन की दोस्ती अक्षरा से है, निशान से दिव्या की है, तो इस तरह इनके ग्रुप से ये जाके बैठते हैं। करण रिधिमा यहाँ तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर कभी वहाँ भी चले जाते, प्रतीक से उसका होता है उस दिन सही भी हो गया लेकिन फिर भी चला। और इन इन जैसे मैंने कहा इनके तो कनेक्शन में भी यूनिटी नहीं है, मतलब स्पेशली जीशान और दिव्या में या नेहा मिलिन में, क्योंकि वो उधर भी जाते हैं ना और वो बोलते हैं वहाँ हमारे दोस्त भी हैं, वहाँ वाले नहीं आके बैठते कि यहाँ हमारे दोस्त भी हैं करके, और मगर वहाँ वाले जाके ज़रूर बोलते हैं। तो मैंने आई डोंट नो, मैंने कभी निशान को नहीं कहा सुना ये कहते हुए कि वो नेहा मेरी दोस्त भी तो है करके, या दिव्या मेरी दोस्त है इस तरह से, या अक्षरा बोल रही मिलिन मेरा दोस्त है करके, मैंने नहीं सुना है, माइट बी आई मिस समथिंग, बट ये लोग ज़रूर कहते हैं और आपस में इनका रहता है थोड़ा सा डिफरेंस, और क्या पता, पर ये भी इनका खेल हो क्योंकि एंड ऑफ द डे तो ये एक दूसरे एक ही अपनी टीम के लोगों को जिताते हैं और वो अपनी ही, तो क्योंकि जैसे मैंने बोला हो सकता है क्योंकि वो तो सपोर्ट करते हैं एंड में। और जिशान इज़ गुड, मतलब वो जो कलर का हुआ था ना वो टाइम पे, और मगर प्रतीक वहाँ गलत है, प्रतीक वहाँ क्यों फाइट कर रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आउट था, तो वो गलत था उस टाइम पे, वो निशान लड़ सकता था, मूज लड़ सकती थी, पर प्रतीक आके लड़ रहा था वो मुझे गलत लगा, मगर उनकी फाइट बड़ी ज़बरदस्ती टकरे मारने वाली थी, बट एनीवे यही चाहिए था शायद ऑडियंस को, और ये मिला आज के कल नहीं था, पर ऐसा इनको लगा कि यही ऑडियंस को चाहिए, जो कि एंड में हमें पता चल गया गेम के कि रिपोर्ट, खैर रिपोर्ट पे तो बाद में बात करूँगी, इनको लगता है ऑडियंस इनको सपोर्ट कर रही है तो कुछ भी करेंगे, प्रतीक मूस इन लोगों को लग रहा है, क्योंकि इनको हर वक्त यही बताया जा रहा है ना, आप बचा लिए गए हैं, आप सही जा रहे हैं एक तरीके से, स्पेशली मूस और निशान को तो ज़्यादातर यही बताया गया कि ऑडियंस बचा रही है, ऑडियंस बचा रही है, ऑडियंस बचा रही है, ऑडियंस कितना बचा रही है तो ऑडियंस ही जानती है, पर एनीवेज तो उनको लगता है कि वो जब कुछ करने जा रहे हैं दे आर द वन, यही क्रिएट कर रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि प्रतीक बहुत इंस्टिगेट करता है और रिएक्शंस लाता है, लेकिन एक दिन अगर आप ठंडे पड़े और रिपोर्ट गलत आई तो आप बिल्कुल गलत नहीं जा सकते, स्मार्टली प्लान करते कि अरे आज के दिन क्या धमाल करना है जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो और रिएक्शंस भी आए। तो एनीवेज शमिता का जो डिसक्वालिफिकेशन रीज़न था निशांत और मूस को लेके वो सही लगा, क्योंकि प्रतीक बीच में आ गया था और इस वजह से उनको करना पड़ा, वो खेल रहे होते तो अलग बात थी, पर आज राकेश बड़े पेशेंट से था, मतलब प्रतीक उसे इतना तंग कर रहा था, वो मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको वो कर रहा था और पूरा बात कर रहा था, तो आज राकेश ज़बरदस्त अच्छा लगा। और नेहा और मिलन के बीच हुई लड़ाई, जिस क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा था तो नेहा को ऑर्डर देने की आदत है ना, लेने की कहाँ आदत है, तो जाहिर सी बात है, और जिस पे उसने कहा था मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मगर जब आप दे सकती हैं ऑर्डर तो लीजिए भी ना, स्पोर्टिव हूँ, ऐसे नहीं करें, आपकी आपका कनेक्शन है, अगर आपको कुछ बोल रहा है तो फिर सुने, आप बोलती हैं तो वो भी तो सुनता है ना। तो रिधिमा और करण को ना, करण को नहीं, रिधिमा और मिलिन को ना करण जो और अच्छा जगा के गया, मतलब ऐसा जगा के गया कि वो उस पर चढ़ गई थी प्रतीक से, और अब ये नेहा से इसका अच्छा जवाब जवाब दे रहा है, तो पर वो चलो दूसरे पे चली थी, ये तो अपने पे चढ़ रहा है, तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि अगर आप इतना उनको कंट्रोल करोगे तो वो बोलेगा ही, और वो गलत नहीं है, मुझे मिलन गलत नहीं लगा, मगर बाद में खैर दे टॉक्ट एंड दे सॉर्टेड आउट, तो दैट्स अ गुड थिंग, यही होना चाहिए कि अगर आप कहीं अलग मतलब गुस्सा भी हो एक दूसरे से, लेकिन एंड ऑफ द डे क्लियर कर लें, बात कर लें तो अच्छा रहता है, ताकि दूसरा दिन फिर नया
नए मतलब फ्रेश स्टार्ट करना और फिर फ्रेश पंगा लेना, मतलब एक ही चीज़ को घसीटते में अच्छा नहीं लगता है। जीशान और देविया प्लेड वेल इन अ सेंस के जब देविया को किसी और से मतलब लड़ना है वो एक अलग बात है, जीशान से जैसे उसको है कि मुझे चेंज करना है, लेकिन जहाँ टास्क का बात आती है जीशान उसका पूरा साथ देता है और दे बोथ प्लेड वेल, और वो भी खड़ी रही और वो भी उसके साथ रहा, और उन्होंने टास्क में दोनों बड़े अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं, कोई भी वो नहीं कर सकता है, अच्छा किया दोनों में एनर्जेटिक एंड ऑल। और फिर इधर उधर बातें भी करी कि दूसरे को लगे कि शायद ये हमारी तरफ थोड़ी झुकेगी, लेकिन अपना गेम पक्का खेला दोनों ने, और इस तरह वो बॉस लेडी और बॉस मैन बने। चाहे आप बोले ना कि संचालक बायस था, लेकिन अपने ग्रुप के लोगों को तो उन्होंने, उनके लिए तो बायस नहीं थे ना, उनको तो बनाया ही उन्होंने। तो एनीवेज ये तो रहेगा गेम में, कभी कोई बायस तो होगा अपनों के लिए। तो एनीवेज नेहा ने सही बोला कि इनके ग्रुप में मतलब प्रतीक निशान ये जो मूस और अक्षरा के ग्रुप में दो जो है ना, ये मूस और अक्षरा चमचे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मूस ना ऐसी चमची नहीं है, वो भी अपनी बात रखती है, और अक्षरा थोड़ा ऐसा बिहेव करती है कि वो प्रतीक पे डाल के ना बैठ जाती है, मुझे उसको पता है ठीक है, लेकिन जब वो बोलती है ना कभी कभी मुझे लगता है वो गलत भी जाती हैं वो, मगर वो शायद उनका खेल है और ये इसी तरह करना चाह रही हैं कि भाई मैं तो बस इसी बेस पे चलूँगी, और ये बार बार ला के ना सिंपती कार्ड या इस तरह की फाइट्स इनसे क्रिएट करूँगी, और माई भी ये उनका गेम है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि फिर ना आप अभी तो प्रतीक के साथ है, लेकिन अगर अलग होगी तो क्या पता इतना ज़्यादा इनको नहीं सपोर्ट मिले, तो अच्छा है कि अपना भी करो, आपकी टीम में भी देखो सही गलत यहाँ पे भी देख के बोलो। तो एनीवेज मगर ये नेहा ने सो कहा कि वो जो है प्रतीक के ग्रुप की बात, और अपने ग्रुप में कहा कि हमारी है ना वहाँ सब प्ले मतलब वो दो प्लेयर हैं और दो चमचे हैं जो कि इनके ग्रुप में नहीं है, पर नेहा ना मुझे लगता है सबकी गुड बुक्स में रहना चाहती है और सबको बोलना भी चाहती है, अब जो कंट्रोल में आ गया ठीक है, नहीं आया तो नहीं है, वो फिर उनका हो जाता है वो सब पारा ऊपर। तो एनीवेज मगर बिग बॉस ने क्या खेला है बिग बॉस, मतलब आज जो रिपोर्ट आई तो ऑडियंस ने एवरेज दिया जिस पे गैस दोबारा से उनसे छीन लेगी, मगर वो सारा बिग बॉस का ही खेल था, क्योंकि प्रॉपर्टी डैमेज करी, सज़ा तो देनी थी ना। अब ये ऑडियंस, अगर ऑडियंस की वो होती तो शायद ऑडियंस वोट करती, लेकिन मुझे नहीं लगता है, पर हो सकता है ऑडियंस ने किया हो, लेकिन ये गेम बिग बॉस ने जो खेला है बहुत मज़ा आया, इससे प्रतीक को ये पता चल गया कि वो जो कर रहा था ये सही नहीं था, और बाकी सब ने भी जीशान ने उसे बोल के गया, क्योंकि उसको ये लगा कि ये करना एंटरटेनमेंट है, तो इनको भी बताना पड़ता है कि ये जानबूझ से करना और ये होना इट्स डिफरेंट, आपने लाया कि मैं कल क्या करूँगा करके, और क्या फ़ायदा हुआ, गैस तो फिर भी गई ना। तो एनीवेज तो मगर मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जब बिग बॉस खेलते हैं ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, ये जब तक खेल रहे होते हैं ना ये तो ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जब बिग बॉस खेलते हैं ना तब मुझे देखना होता है सबके मुंह, क्योंकि हर किसी को ना कोई, जैसे मैंने बोला पहले, ऊपर हो जाते हैं या फिर बहुत नीचे हो जाते हैं, और इनको चढ़ाते हैं तो फिर इनको नीचे भी लाना पड़ता है कि बस बहुत भी नहीं चढ़ जाओ और बहुत भी नहीं गिर जाओ, बीच में रहोगे ना तुम्हारे लिए बेटर है। तो जो अच्छा खेल रहे हो स्पेशली वो गलती करे ना तो उसको तो बोलना ही पड़ता है। तो एनीवेज अब देखते हैं वीकेंड का वार बोलूँ या संडे का वार बोलूँ उसमें क्या होता है, और पर एनीवेज इट वाज नाइस एपिसोड, देखते रहिए बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स रिव्यूज एंड न्यूज। हाय दिस इज मीरा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन USA।